का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। देखो कोई शक नहीं, पुष्पा मूवी काफी कमाल का मूवी था। देखो बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसे नकारा भी था, यानी उतना पसंद नहीं भी किया था, लेकिन जो पब्लिक है ना यार, पब्लिक के हाथ में सब कुछ रहता है। पब्लिक की वजह से यह मूवी ब्लॉकबस्टर हो गया, यहाँ तक कि केजीएफ जैसी मूवी का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पुष्पा मूवी के कुछ शॉकिंग मोमेंट, कि ऐसे कौन सा शॉकिंग मोमेंट था जो आप मूवी देख रहे हैं और आपको एक्साइटमेंट से भर दिया। आई होप आप लोगों ने यह मूवी देख लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शॉकिंग मूवमेंट की बात करें तो जब पुष्पा अपना करियर शुरू से स्टार्ट करता है, यानी तिहाड़ी मजदूरी करके, और जंगल में जब वो लकड़ी काटने जाता है तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं रेड के लिए, लेकिन पुष्पा उसे डरा धमका के भगा देता है वहाँ से, और वो पुलिस वाले पूरा गैंग लेके आते हैं उन सबको पकड़ने के लिए। लेकिन पुष्पा वो चंदन की लकड़ी से भरा ट्रक को लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि उस ट्रक को कहाँ छुपाया गया, और यहाँ पे हम लोग सस्पेंस बन जाता है। वहीं पे पुष्पा पकड़ा जाता है और जेल में उसका तो खूब कुटाई होता है। अगला हमारा शॉकिंग मूवमेंट है कि जब मंगल सिन्हू का साला पुष्पा और गोंडा रेड्डी को मारने के लिए आता है, गोंडा रेड्डी को तो वहाँ पे वो खत्म कर देता है। वो उसके आदमी उसको भाइयों को मारने की कोशिश करता है तो पुष्पा उसे बचाता है और मंगल सिन्हू के साला को खूब धोता वहाँ। और उसी समय मंगल सिन्हू का फोन आ जाता है और उसमें फोन में रहते हुए यानी बात करते हुए उसे गोली मार देता है बिना कुछ सोचे कि आगे हमारा क्या लफड़ा हो सकता है। और ये हमारे लिए भी काफी शॉकिंग मूवमेंट था और काफी इंटरेस्टिंग भी था। तीसरा शॉकिंग मूवमेंट, जब गोंडा रेड्डी के अड्डे पे मंगल सिन्हू का माल वहाँ पे रखा हुआ रहता है और पुलिस वाले को उस अड्डे के बारे में पता चल जाता है, और पुलिस वाले उस माल को पकड़ने के लिए यानी वो लाल चंद्र को पकड़ने के लिए वहाँ पे आने लगते हैं, और उन लोगों के पास काफी कम टाइम रहता है। तब हमारे लिए शॉकिंग मूवमेंट बन जाता है कि इतना सारा सामान वो आखिर छुपाया कहाँ, और पुष्पा के लिए भी एक चुनौती रहता है कि इतना सारा सामान को आखिर वो छुपाया कहाँ। तब हमारे मन में भी एक थॉट आता है उस समय कि अब तो पुष्पा पकड़ा गया और अब इसकी लगने वाली है। तो पुष्पा वो सारे लाल चंदन की लकड़ी को नदी में बहा के हमारे लिए भी एक शॉकिंग मूवमेंट क्रिएट कर देता है। तो अब हमें ये देखना है कि पुष्पा 2 क्या कमाल मचाता है, यानी फैंस का दिल में वो सस्पेंस क्रिएट कर पाया कि नहीं, पुष्पा 2 चलेगा कि नहीं, ये सारा जवाब हम लोगों को पुष्पा 2 में मिलेगा। तो दिल थाम के बैठ जाए अगर पुष्पा 2 का आप इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरा नाम है सुभाष और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।